उत्तर प्रदेश बैंड बाजा श्रृंगार वेलफेयर एसोसिएशन ने बैंड बराज श्रृंगार व्यवसाय से जुड़े कामगारों को उचित सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को एक ज्ञापन पेश किया। इस संबंध में बुधवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया है कि इस पेशे से जुड़े अधिकांश लोग समाज के कमजोर वर्गों में से हैं। ये व्यवसाय देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इस व्यवसाय में सभी धर्मों और वर्गों के लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग उठाई गई कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश बैंड बारात श्रृंगार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश आयोग का गठन किया जाए, जिसमें इस व्यवसाय में कार्य करने वाले गरीब तबके के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सके, जिससे इस गरीब वर्ग का उत्थान हो सके। ये भी मांग उठाई गई कि बैंड बारात श्रृंगार व्यवसाय से जुड़े वर्ग के हितों के उत्थान के लिए बैंड बारात श्रृंगार उत्तर प्रदेश आयोग का गठन किया जाए। बैंड बाजा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मास्टर रंजन मसूदी एवं प्रांतीय संगठन मंत्री आसिफ शेख मसूदी उर्फ गुड्डू ने ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को संयुक्त रूप से बताया। बैंड बाजा एसोसिएशन जिला अध्यक्ष, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि जैसे हम राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहते हैं बैंड का, पूरे भारत वर्ष का, हमारा डिमांड ये है कि डीएम के माध्यम से और माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। और जैसे और लोगों का पहली सरकारों में रहा है, औरों को इसका बेनिफिट मिलता है कि राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए, तो हमारा भी डिमांड ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे भी राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए पूरे भारतवर्ष के लिए, जिससे कि जो समस्या हमें भी करंट में मिल सके और उससे हमें अभी बेनिफिट मिल सकते हैं। तो हमारा सिर्फ यही डिमांड है जिले के मुरादाबाद कमेटी से और जितने भी बैंड वाले, हमारी ये डिमांड है कि हमने भी और जो प्रदेश की कार्यकारी है उनसे भी डिमांड की है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात को रखें और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए बैंड वालों का। ये राष्ट्रीय आयोग का गठन होने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे हमारे फायदे ये हैं कि जैसे और लोगों को बेनिफिट मिलता है ऐसी हमें मिलेगा, और जो हमें जानकारी जो हमें नहीं होती प्राप्त होती है तो उससे हमें जानकारी भी प्राप्त होगी, जिससे हमें जितने भी समाज के बैंड वाले इस कार्य, चाहे बग्गी वाले हो, घोड़ी वाले हो, बैंड वाले हो, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। समस्या ये है कि मान्यवर, जैसे कि जितने भी हिंदुस्तान में कारोबार चल रहे हैं आज के समय तक, वो सभी अपनी अपनी जगह एक तरीके से रजिस्टर्ड हैं, श्रम विभाग में उनका सभी का नाम है, और हम बैंड वाले हैं, बैंड की श्रेणी में आते हैं, और इस श्रेणी का कहीं भी श्रम आयोग में नाम नहीं है। हमारी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग है कि यूपी में और राज्य स्तर पर बैंड आयोग का गठन करा जाए, जिससे कि दबे कुचले जितने भी बैंड का काम करने वाले, बैंड से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को उसका लाभ मिले। और आपदा के समय में जैसे कि बैंड वालों को किसी तरीके की आर्थिक की सहायता नहीं मिलती है, या हम कहीं अप्लाई करें लोन के लिए तो कोई बैंड वाले को लोन देने को तैयार नहीं होता है, बैंक का व्यक्ति या किसी भी तरीके से, कि भाई बैंड का कोई भी नाम श्रम विभाग की लिस्ट में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी थोड़ी सी दया दृष्टि हम बैंड वालों पे करें, कृपा दृष्टि करें, जिससे कि ये बैंड आयोग का एक गठन हो और हमारा नाम जो भी है श्रम विभाग की लिस्ट में आए। अच्छा, ये देखा गया है आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, इसमें के जो कलाकार हैं उनका सांस फूलता है, बहुत सारी बीमारियों से त्रस्त रहते हैं, सरकार द्वारा इनके इलाज के लिए कोई प्रबंध किया गया? जी सर, इस बात को ही मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि बैंड आयोग का गठन कर लिया जाए, श्रम विभाग में आ जाए, और ये रोजी रोटी का मसला है और परिवार पालने के, नहीं देखिए परिवार का मुखिया हर कोशिश से गुजर जाता है, चाहे उसकी जान पे आए या उसकी सांस फूले या उसको कोई भी बीमारी। तो हम ये चाहते हैं सर कि जितने भी लोग हैं बैंड का कारोबार से जुड़े हुए, उनका थोड़ा सा आर्थिक और जैसे भी है राज्य सरकार स्तर से मदद पहुँचे और हमारा जो है श्रम विभाग में नाम आए। इस मौके पर मास्टर गुलाम नबी, मास्टर नफीस आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे।